नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 प्रोडक्शन फंक्शन, और यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट अजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। लगभग ये दोनों ही अजम्पशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स काफी कुछ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन लिटिल बिट इनमें डिफरेंस है और उसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। फर्स्ट पॉइंट है, प्रोडक्शन फंक्शन इज एन इंजीनियरिंग कंसेप्ट। ये एक इंजीनियरिंग कंसेप्ट है, मैथमेटिकल कंसेप्ट है, और ये पूरी आपको कैलकुलेटिव वे में सारा सॉल्यूशन आपको निकाल करके देता है कि अगर आपने इतने इनपुट्स लगाए तो आपको कितने आउटपुट मिलेंगे, आपको कौन सी कंडीशन है जो कि आपके लिए सूट करती है, वो सारी कंडीशंस आपको अवेलेबल ये करवाता है। क्या कौन करवाता है? प्रोडक्शन फंक्शन। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आपको डिफरेंट गुड्स के आपको वो देता है कि इन इन गुड्स के कॉम्बिनेशन है और इससे आपका प्रोडक्शन इतना होगा, आपके पास कितनी इनकम है, सॉरी कितने कैपिटल है, कितनी लेबर है, और उससे आप टोटल प्रोडक्शन कितना कर सकते हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज हमारा प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। तो इसीलिए इसको कहा क्या गया है कि प्रोडक्शन फंक्शन इज एन इंजीनियरिंग कंसेप्ट। एंड सेकेंड पॉइंट इज, प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? पहले ये जान लीजिए कि ये 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट इज लैंड, सेकेंड इज लेबर, थर्ड इज मनी, एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योरशिप, और जो हमारे ये सारे होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। और ये क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब कि फ्लो कितना है, आप कितनी ये क्या, देखिए प्रोडक्शन फंक्शन क्या इनका रोल होता है, किसी भी चीज के प्रोडक्शन के अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का रोल क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही वो चीज है जो कि किसी भी चीज के प्रोडक्शन में इनपुट का काम करते हैं। तो जितना ज्यादा इनपुट होगा, यानी फ्लो जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। ओके, उतना ही ज्यादा स्टॉक आपका इकट्ठा होगा। तो यहाँ पर क्या हमने बताया, डिस्कस किया है कि प्रोडक्शन फंक्शन किससे रिलेटेड है? फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो कितना है, आप लेबर कितनी लगा रहे हैं, आप क्या कहते हैं कैपिटल कितनी लगा रहे हैं, ये सब आपकी इसी पर ही डिपेंड करता है आपका टोटल आउटपुट। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज, इट डिपेंड्स द रिलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इनपुट्स इनटू आउटपुट। ये रिलेशन आपको बताता है, इट डिपेंड्स, ये आपको रिप्रेजेंट करता है। इससे हमें प्रोडक्शन फंक्शन से हमें क्या पता लग रहा है कि रिलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इनपुट्स और आउटपुट, इनपुट से जो आउटपुट में ट्रांसफॉर्मेशन का रिलेशनशिप है वो कैसा है, यानी कि कितने इनपुट आपने लगाए और उससे आउटपुट आपको कितना मिल रहा है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में कौन बता रहा है? प्रोडक्शन फंक्शन बता रहा है। जैसे कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी हाई है तो कम इनपुट से भी आउटपुट आप बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं। तो ये आपको कैसे पता लग रहा है? हमारे प्रोडक्शन फंक्शन से। अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी आपकी बहुत पुअर है तो बहुत ज्यादा इनपुट्स डालने के बाद भी आउटपुट आपका उतना बढ़िया नहीं रहेगा। तो ये कैसे, कौन हमें बता रहा है कि आउटपुट और इनपुट दोनों के बीच में रिलेशनशिप हमें पहले ही पता लग रही है और उसी के अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले पा रहे हैं कि हमें किस टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे फेवर के अंदर है, हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। तो ये था, इट डिपेंड्स द रिलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। इनपुट्स को आउटपुट्स में ट्रांसफर करने के लिए जो उनके बीच के रिलेशनशिप है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज, इट डिपेंड्स द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्टर इनपुट। ये क्या कर रहा है? इट डिपेंड्स द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन,
ये केवल हमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता रहा है कि इनपुट से आउटपुट में जो कन्वर्जन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो कितनी क्वांटिटी में हो रहा है, क्वालिटी वाइज उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता। इस बारे में ये कुछ भी नहीं बताता है, केवल ये किसको बता रहा है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज इट इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड होता है। आपने जो कल भी हमने इस बात पर डिस्कशन किया था, अजम्पशन में भी ये पॉइंट आपके आया था कि जो भी आपका प्रोडक्शन फंक्शन आपके पास है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का होता है, वो 1 ईयर का होता है, वो 2 ईयर का होता है, वो 3 इयर्स का होता है। यानी सपोज कि आपके अदर जो सिचुएशंस हैं जब तक वो कॉन्स्टेंट रहती हैं तब तक हमारा ये प्रोडक्शन फंक्शन वर्क करता है। जैसे ही अदर सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, वैसे ही हमारा प्रोडक्शन फंक्शन बिल्कुल वो भी चेंज हो जाएगा। तो क्या है कि ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी ध्यान रखने वाली इम्पोर्टेंट बात है कि इट इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज 1 यूनिट ऑफ लेबर और 1 यूनिट ऑफ कैपिटल कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय देयर अदर यूनिट्स। किसी भी दिस इज वी हैव टू फैक्टर्स सपोज एंड लेबर एंड कैपिटल। तो लेबर और कैपिटल की जो 1 यूनिट को हम इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि 1 यूनिट जो हम इनकी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है अदर यूनिट्स का। यानी जैसे हमने सपोज आपने लेबर को आप इंक्रीज करते जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल को डिक्रीज करना पड़ेगा, है ना। जब दोनों ही आपके पास एक सिमिलर प्रोडक्शन अगर आपको चाहिए तो आप किसी एक, मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन करें तो आपको कैपिटल आपकी कम होगी और लेबर इंक्रीज होगी। तो लेबर इंक्रीज हो रही है, यानी जैसे ही आप जितनी यूनिट आप आगे इंक्रीज कर रहे हैं वो उतनी ही एप्लीकेबल है जितनी की उससे पहले वाली यूनिट थी। यानी पहले वाली यूनिट का जितना आउटपुट था उतना ही आउटपुट ये नेक्स्ट यूनिट भी आपको दे रही है। यानी 1 यूनिट ऑफ लेबर और 1 यूनिट ऑफ कैपिटल कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय देयर अदर यूनिट्स। इसकी सारी यूनिट सब इक्वल होती है। नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट इज इट इज रिलेटेड टू अ गिवन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। ये एक हमारी जो भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है उसी के लिए ये काम करता है। अगर आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, अगर आप हायर टेक्नोलॉजी पे चले जाते हैं या आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी है, किसी और दूसरी टेक्नोलॉजी से आप प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, उस पर फिर ये जो प्रोडक्शन फंक्शन एक आपका है वो उस पर वर्क नहीं करेगा। हर टेक्नोलॉजी के लिए, हर सिचुएशन के लिए आपके पास एक अलग प्रोडक्शन फंक्शन होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन फंक्शन इंक्लूड्स ओनली फिजिकल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड इनपुट्स, देयर प्राइस आर नॉट इंक्लूडेड। जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है वो केवल फिजिकल क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करता है, उसी को ही डिपिक्ट करता है। इसका जो प्राइजेस है उससे कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, इसमें प्राइस बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होती है। यानी कि जैसे अगर आप अपना आउटपुट को इंक्रीज करना चाहते हो, उसको हाई लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली सिंपल सी बात है कि आपको इनपुट्स बढ़ाना पड़ेगा। आपने कैपिटल भी इंक्रीज करा, आपने लेबर भी इंक्रीज करी, अब लेबर और कैपिटल इंक्रीज करने पर आपका आउटपुट तो इंक्रीज हो रहा है, आपका आउटपुट अगर आप डबल करना चाह रहे हैं तो वो डबल भी हो रहा है, लेकिन उससे यहाँ का आपको ये पता नहीं लग रहा है कि प्राइजेस आपकी कितनी इंक्रीज हुई है। आपने जो एक्स्ट्रा कैपिटल बढ़ाया है उसको लिए आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, आपने जो एक्स्ट्रा लेबर बढ़ाई है उसके लिए आपको वेज रेट कौन सी एक्स्ट्रा देनी पड़ी है, इस बारे में प्रोडक्शन फंक्शन कुछ भी नहीं बताता है। ये केवल हमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ये शो करता है, इसका प्राइसेस से कोई लेना देना नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज लॉन्ग रन एंड शॉर्टर। हमारा पूरा प्रोडक्शन फंक्शन इस लास्ट पॉइंट पर ही टिका हुआ है। अगर हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ टाइम प्रोडक्शन फंक्शन
कैन बी क्लासिफाइड। अगर हम इसको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इसको डिवाइडेशन करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। फर्स्ट इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड सेकेंड इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। यानी कि कम टाइम पीरियड के अंदर जिस प्रोडक्शन फंक्शन की हम बात कर रहे हैं उसको हम कहेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसके अंदर हम बहुत सारे फैक्टर्स के अंदर चेंज नहीं करते हैं, कुछ फैक्टर्स को एज इट इज रहने देते हैं और कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें सारे प्रोडक्शन जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, उन सबको हम चेंज कर सकते हैं। ये दो प्रोडक्शन फंक्शन है, इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।